अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारी आज की क्लास है वो डबल और पैसे वाइज के हवाले से हम पढ़ेंगे। डबल और पैसे वाइज में हमारे पास जैसे कि दो वर्ब होते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, जुमला पढ़िएगा। मसला कश्मीर हल करने से जनूबी एशिया में अमन कायम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये जो लास्ट में लगा हुआ है, अमन कायम हो जाएगा, ये हमारे पास कहलाता है मेन वर्ब। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के अलावा जो जुमले में दूसरा वर्ब होगा वो हमारे पास ऑर्डिनरी वर्ब होगा। जैसे हल करने से, ये हल करना जो है ये हमारे पास क्या है? ऑर्डिनरी वर्ब है। ठीक है, ये क्या है? ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी वर्ब है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? जुमला बनाना है। ठीक है, मेन वर्ब के अलावा जो जुमले में दूसरा वर्ब आपको नजर आएगा वो ऑर्डिनरी वर्ब होगा। ठीक है, अगर हम इस जुमले को दो हिस्सों में तकसीम कर दें, जैसे कि यहां से ना, ठीक है, तो हमारे लिए जुमला बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम इस वर्ब से पूछेंगे कि क्या कायम हो जाएगा? अमन। कौन कायम करेगा? मौजूद नहीं, यानी इसमें एक अमन कायम करने वाला मौजूद नहीं। इस जुमले में डूअर, इस एक्शन का डूअर मौजूद नहीं है, यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, लिहाजा हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। जुमला पैसे वाइज का है। तो क्या है, हम इसे पहले पढ़ चुके हैं कि पैसे वाइज क्या है और पैसे वाइज की डेफिनेशन हमारी प्रीवियस वीडियोज में आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अमन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है अमन? क्या है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या कायम हो सकता है? अमन। अमन क्या है? हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जुमला अमन से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, पीस। और जुमला रिवर्स में बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम दूसरे वर्ग के पास आ जाते हैं, इससे पूछते हैं हल करना, कौन हल करेगा? मसला कश्मीर हल करने से, हल कौन करेगा? इसका भी डूअर मौजूद नहीं है, यानी इसका भी डूअर मौजूद नहीं है। तो क्या होगा? इसको भी हम पैसे वाइज बनाएंगे। तो हम बनाएंगे कैसे? देखें, जुमला यहां से स्टार्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अमन है, पीस विल बी या वुड बी, पीस वुड बी। अच्छा, उसके बाद क्या है? अमन कायम करने की इंग्लिश क्या यूज करेंगे? सस्टेंड। पीस वुड बी सस्टेंड इन साउथ एशिया, इन साउथ एशिया। अच्छा, ये देखिए, दोबारा देखिए, हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, कायम हो जाएगा, कौन कायम करेगा? मौजूद नहीं। क्या कायम हो जाएगा? अमन। तो हमारे पास अमन क्या है? डायरेक्ट सब्जेक्ट है। हम अमन से जुमला उठाएंगे, पीस वुड बी सस्टेंड इन साउथ एशिया। अब जुमला सारा मैं रिवर्स में बना रहा हूं, ठीक है ना, यूं इसी तरह बनेगा। ठीक है, सारा ऐसे। अब यहां तक, यहां से स्टार्ट करूंगा, टू बी, यानी टू इन्फिनिटिव का पैसे वैसे, टू बी एड्रेस्ड। एड्रेस्ड ऐसा लफ्ज है जो किसी बड़े मसले के हल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एड्रेस माने पता भी होता है, एड्रेस के माने खिताब भी है, खिताब करना भी है। टू बी एड्रेस्ड, यहाँ पे बड़े मसले को हल करने के लिए लफ्ज एड्रेस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टू बी एड्रेस्ड कश्मीर इशू, टू बी एड्रेस्ड कश्मीर इशू। To be address Kashmir issue. क्या हो जाएगा? Peace would be sustained in South Asia to be addressed Kashmir issue. इसी तरह एक दूसरी जुमले की एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे भी एक दो वर्ब यूज हुए, मुस्तहकम होना, मुस्तहकम होना एक वर्ब है, और मंसूबा शुरू शुरू किए मनसूबे शुरू किए जा सकते हैं। ठीक है, शुरू करना भी है, ये मेन वर्ब है, शुरू करना मेन वर्ब है, और ये हमारे पास ऑर्डिनरी वर्ब है। ठीक है, तो जुमला हम कैसे बनाएंगे? जुमला हम बनाएंगे यूं, इसी तरह। इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। क्या है? क्या शुरू किया जा सकता है? पता नहीं। क्या शुरू किया जा सकता है? तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा सकते हैं। कौन शुरू कर सकता है? मौजूद नहीं है, डूअर मौजूद नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तरक्याती मंसूबों को क्या कहते हैं? अपलिफ्ट प्रोजेक्ट्स, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, अपलिफ्ट प्रोजेक्ट्स भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट्स। तो क्या होगा? अपलिफ्ट प्रोजेक्ट्स मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, अपलिफ्ट प्रोजेक्ट्स, तरक्याती मंसूबे। ठीक है, क्या किए जा सकते हैं? शुरू किए जा सकते हैं तरक्याती मंसूबे, अपलिफ्ट प्रोजेक्ट्स कैन बी स्टार्टेड।
अपलिफ्ट प्रोजेक्ट कैन बी स्टार्टेड इन कंट्री, इन कंट्री एडवर्बियल है, यहां पे लगेगा इन कंट्री। अब यहां से शुरू करूंगा टू इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस टू बी, टू बी। अब मुस्तहकम होने की इंग्लिश, चेक करने की इंग्लिश, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज टू बी स्टेबलाइज्ड या मेक स्टेबल, टू बी मेड स्टेबल भी हो सकता है, टू बी स्टेबलाइज्ड। मैशियत को क्या कहते हैं, इकोनॉमी, टू बी स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी। अपलिफ्ट प्रोजेक्ट्स कैन बी स्टार्टेड इन कंट्री टू बी स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी, अपलिफ्ट प्रोजेक्ट कैन बी स्टार्टेड इन कंट्री टू बी स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी, अपलिफ्ट प्रोजेक्ट कैन बी स्टार्टेड इन कंट्री टू बी स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी। आप जुमला रिवर्स में बनाएंगे तो इसी तरह आपके लिए आसानी होगी। उर्दू का जुमला आप डायरेक्ट रिवर्स में बनाएं, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले बोलेंगे, फिर जाके जुमला रिवर्स में बनाइएगा, इसी तरह रिवर्स में बनेगा। इस तरह ऊपर जुमला भी आप देख सकते हैं कि मसला कश्मीर हल करने से जनूबी एशिया में अमन कायम हो जाएगा। कौन अमन कायम करेगा, मौजूद नहीं, क्या कायम हो जाएगा, अमन। तो ये हमारे पास क्या है, पीस क्या है, हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जुमला सारा मैं रिवर्स में इसी तरह बनाऊंगा, सारा रिवर्स में बनेगा, कैसे होगा, साउथ क्या क्या कायम हो जाएगा, अमन, पीस would be sustained in South Asia to be addressed Kashmir issue। तो ये थोड़े एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर से आप इसको इस तरह के बहुत सारे जुमले बना सकते हैं और इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका फार्मूला एक मैं आपको समझा दूं और आपको आसानी हो जाएगी कि अगर जुमला आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, उसके बाद कोई एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, फिर उसके बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि पैसे वाइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बोली जाती है, फिर उसके बाद आप एडवर्बियल बोलते हैं या प्रीपोजिशन प्लस नाउन जो भी है, ठीक है, आप एडवर्बियल बोलते हैं, और फिर उसके बाद आप क्या बोलते हैं, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, और फिर जाके आप प्रीपोजिशन प्लस नाउन यानी एक एडवर्बियल बोलते हैं या प्रीपोजिशन प्लस नाउन एक एडवर्बियल बोलते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन प्लस डिटरमिनर प्लस नाउन भी बोल सकते हैं और प्रीपोजिशन प्लस नाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये होता क्या है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन क्या होता है, ये एक प्रीपोजिशन फ्रेज होता है, ठीक है। इसी तरह प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी क्या हो सकता है, एक प्रीपोजिशन फ्रेज बन सकता है, ठीक है। प्रीपोजिशन फ्रेज हमारे कहाँ आते हैं, एडवर्बियल में आते हैं, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इन दो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़ा एडवांस लेवल की स्पीकिंग में आते हैं। थैंक यू, मजीद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एडवांस स्ट्रक्चर के हवाले से। थैंक यू सो मच।